आपको लेकर बीजेपी ने जारी की है स्टार प्रचारकों की सूची। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, 7 विधानसभा सीटों पर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। सीएम भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सूची में शामिल हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का भी नाम इसमें शामिल है। और ये सूची सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है, 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें कि 13 नवंबर को राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने हैं, जिसको लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। और इस सूची में 40 नाम है। सीएम भजन लाल शर्मा, मदन राठौर के साथ ही दोनों ही डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी का नाम भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है। तो देखिए, बाबा बालकनाथ, वसुंधरा राजे का भी नाम इस सूची में शामिल है। ये पूरी सूची सामने आ चुकी है। बड़ी जानकारी, सूची जारी की है, 40 नाम इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मदन राठौर, दोनों ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का नाम इसमें शामिल है। 40 नाम इसमें दर्शाए गए हैं। वक्त की बड़ी खबर, 7 सीटों पर देखिए विधानसभा सीटें हैं, उपचुनाव यहां पर कराए जाने हैं। पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही अब बीजेपी अपने आप को मजबूत कर रही है और साथ ही देखिए 40 स्टार प्रचारक सूची जारी कर दी गई है। देखिए ऋषा, बिल्कुल आप देखिए कि विधानसभा उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। परिणाम क्या रहेंगे अलग बात है, लेकिन अगर हम प्रबंधन की बात करें, टिकट वितरण की बात करें, नामांकन दाखिल करने की बात करें, तो बहुत आगे है। और इसी दिशा में आज स्टार प्रचारकों की सूची पार्टी ने जारी कर दी है। आप देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करें ऋषा, तो सबसे पहले कैंडिडेट घोषित करना, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। वही दूसरी पार्टी को देखें, 25 तारीख लास्ट डेट है नामांकन की, लेकिन उनकी हालत क्या है आपको पता है। दूसरी बात अगर हम देखें कि नामांकन, तो सीएम भजन लाल शर्मा हर नामांकन में जाएंगे। सीएम भजन लाल शर्मा और मदन राठौर हर नामांकन में कल जाएंगे, 4 जगह नामांकन दाखिल होगा, हर जगह सीएम भजन लाल शर्मा मौजूद रहेंगे। इसी दिशा में स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, और स्टार प्रचारकों में जहां तक तो तमाम बड़े चेहरे हैं, खुद सीएम भजन लाल है उसमें, मदन राठौर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उसमें, राधा मोहनदास अग्रवाल प्रभारी है वो उसमें मौजूद है, साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी है, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा है, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव है, अर्जुन राम मेघवाल है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, चौधरी हैं, ये तमाम जो नेता हैं ये स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि इस बार एक बेहतर प्रदर्शन किया जाए। हालांकि आपने देखा हो, लगातार पार्टी इस मूड में थी कि हमें एक सीट है सदम्बर जिसकी परवाह करनी, क्योंकि एक ही सीट बीजेपी की अगर हम मौजूदा दौर में बात करें तो बाकी 4 सीट कांग्रेस की है और 1 सीट आरएलएस की और 1 सीट पार्टी की है। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी ने जिस तरह टिकट घोषित किए हैं और लगातार जिस रणनीति पर पार्टी चल रही है, वो ये बता रही है कि पार्टी का लक्ष्य बड़ा है, यानी कि पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस चुनाव में करना चाहती है। जी बिल्कुल, जाहिर है लाल सिंह, क्योंकि देखिए पाने के लिए तो बहुत कुछ है बीजेपी के पास, खोने के लिए शायद कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश बीजेपी जरूर कर रही है कि मेहनत करके शायद ये 7 सीटें वो अपने कब्जे में ले लें। और इसी को लेकर पूरे जो चुनाव प्रचार को लेकर जो 40 स्टार प्रचारक उनकी सूची भी जारी कर दी गई है और एक बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई। शुक्रिया आपका लाल सिंह फौजदार, अधिक जानकारी देने के लिए।